सनसनी खबर है। हाँ हाँ मतलब हालांकि इतने पार्शलिटी करने के बाद करूँ ना इससे क्या रिकॉर्ड। फर्क पड़ने वाला है। हाँ, हाँ ठीक है। सिद्धार्थ शुक्ला ने मुझे जाते वक्त फोन किया था कि वांटेड टू टॉक वगैरह। सो आई सेड या वेट, आई कॉल यू बैक, ओके आई एम बिजी। सो मुझे पता था कि ही इज गोइंग इनसाइड द हाउस, ओके। सो आई सेड वेट, आई एम कॉलिंग यू। सो वो डबल टिक आई, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने उसको फोन किया और मैंने उसके साथ बात की, ओके। उसने मुझे कहा आई सेड वेट, आई कॉल यू बैक। सो मैंने उसको फोन किया, ओके ही सेड, ओके। मैंने उसको फोन किया और इज दिस राइट टाइम टू टॉक, ही सेड यस, ओके। ये ब्लू टिक आपका आता है व्हाट्सएप पे। आई कॉल्ड हिम एंड ही स्पोक टू मी। सो आई सेड नथिंग वर्स्ट, आई सेड बी रियल, जो हो वो रहो, बिकॉज पब्लिक आपको जैसे भी है आपको पसंद करती है और एक्टिंग की हुई पता चलती है, जैसे लास्ट सीजन स्टार्टिंग में में था। आया था तो एकदम जेंटलमैन। या हाँ, लास्ट लास्ट सीजन में था तो जो जैसे लास्ट सीजन में सबने आई थिंक सब बहुत एक पोकर फेस बना के बैठे थे कुछ आर्टिस्ट, मैंने कहा पर्टिकुलर, सो बी रियल, दैट्स इट, आपको अपना मिलेगा। सो ही सेड ओके एंड हमने फोन रखा। उसके बाद आई डोंट नो, आई वाज बिजी इन कुछ मेरे अपने काम में, तो बाद में मैंने जस्ट ऐसे ही मैसेज खोला एंड आई जस्ट सॉ के अच्छा घर के अंदर गए हैं और जा रहे हैं और कुछ सैटरडे संडे था, तो जस्ट मैसेज के विश यू ऑल द बेस्ट ऐसे करके मैंने मैसेज किया, तो वो मैसेज की डबल टिक नहीं आई, ठीक है। That was, मतलब आई थॉट कि अच्छा इनको डाल दिया अभी घर के अंदर, फोन वोन स्विच ऑफ। अभी फ्यू डेज बैक, ओके, रिसेंटली फ्यू डेज बैक मैंने उसकी जो फोटोग्राफ्स मुझे दिखे व्हाट्सएप पे, जो फनी लोगों ने बनाया है, भालू बनाया है, और ये मुझे उसको मैसेज करने थे। मैंने कहा रुको मैं बैंड बजाती हूँ, मैं इसको सारा सब कुछ भेज देती हूँ, और मैंने भेजने के लिए उसका व्हाट्सएप खोला तो ही इज नॉट देयर ऑन व्हाट्सएप। वो बीच में जो बाहर आया था ना, उसको उसका फोन मिला था। नाउ आप चेक करना सिद्धार्थ शुक्ला के नंबर पे उसका व्हाट्सएप ही नहीं है, उसने अपना व्हाट्सएप डिलीट किया बिकॉज द टाइम ही गॉट हिज कॉल फोन, उसने फोन ओपन किया और सबको पता चलेगा कि ही गॉट हिज फोन क्योंकि ब्लू टिक आ गई, तो इसने इमिडिएटली व्हाट्सएप ही डिलीट कर दिया। नाउ यू कैन फाइंड आउट ही इज नॉट देयर ऑन व्हाट्सएप। कैसे हुआ? आपका फोन पर्सनल आप किसी के भी हाथ में नहीं दोगे, और सिद्धार्थ शुक्ला जैसा इंसान तो कभी नहीं देगा। मेरा फोन मेरी फ्रेंड के पास था अकाउंट वो करने के लिए, बट सिद्धार्थ शुक्ला अपना फोन अपनी मम्मी या किसी के पास देगा नहीं। तो ये मतलब बाकायदा उसको चैनल ने बाहर आकर पूरी चीजें समझाई, उसको उसका फोन तक दिया। ये फॉर्मेट है बिग बॉस का, बताओ। हेड्स ऑफ टू बिग बॉस, हेड्स ऑफ मतलब हेड बॉस, हेड्स ऑफ टू दिस टीम। क्या बोले इस टीम को, किस तरीके से शो को लेके जा रहे हैं, गॉड नोज, वर्स्ट वर्स्ट। ऐसे में आपके हिसाब से विनर कौन है? सी देखो मैं इस बार तो सारे अतरंगी है, मैं सच्ची में विनर। मैं जिस जिस जो पेशेंस वाला गेम है ना, सी मुझे ऑब्वियसली शहनाज पसंद थी, बट आई डोंट नो व्हाई शी इज डूइंग दिस, आई लव हर, आई डोंट नो, बट क्योंकि वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ वो मस्ती कर कहीं ना रही है, कहीं अपना सेल्फ जा रिस्पेक्ट उन्होंने खो एग्जैक्टली दिया। एग्जैक्टली खो दिया। तो अन जिस तरीके से आई डोंट नो, मुझे मैं तो आसिम को ही विनर देखती हूँ लोगों के उससे, और जिस तरीके से मैं उसको देखती हूँ, उसने हर बार स्टैंड लिया है और हर बार अच्छे से उसने वायलेंस, ऑब्वियसली लड़का है तो वो होगा ही, और सामने वाला है तो आप दुबक के बैठोगे, तब भी आप दुबक के बैठ गए, आप रिएक्ट नहीं करते, ये भी पिन मार देंगे बिग बॉस। तो आई थिंक आसिम इज, आई थिंक बेसिकली ही इज अ विनर। बाकी चैनल को तो आई थिंक रश्मि को भी बना देना चाहिए, इस बार दो तीन विनर होंगे पक्का, इस बार टाई होगा, डोंट यू थिंक सो? इस बार टाई होने वाला है क्योंकि हाँ मुझे लगता है पारस और सिद्धार्थ को विनर बना देंगे चैनल। और पारस के साथ मेरी माइटा।
जो इरिटेटिंग पर्सनैलिटी शी इज, चलिए आई एम सॉरी, नथिंग पर्सनल भाई, मैं जानती नहीं हूँ तुम्हें।